बोलते हैं फ्लाइट है ही नहीं, जिथे मर्जी जाओ साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की भी फ्लाइट कैंसिल है, कल भी फ्लाइट कैंसिल है। चार पाँच घंटे वेस्ट करने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं फॉग है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड पायलट्स नहीं है, एयरपोर्ट पे फैसिलिटी नहीं मिलती, तो उसमें परेशानी होती है। पीली स्वेटशर्ट पहने जो शख्स इंडिगो की फ्लाइट में पायलट पर पेल पड़ा, उसका नाम साहिल कटारिया। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं। साहिल ने जो हरकत की है वो किसी भी लिहाज से ना तो वाजिब है ना ही माफी के लायक। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि फ्लाइट में पायलट से मारपीट की नौबत आखिर आई कैसे। सिमरन को दिल्ली से स्विट्जरलैंड जाना था, सुबह 6 बजे की फ्लाइट ना छूटे इसलिए देर रात 2 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा पहुंची। लेकिन कभी कोहरा तो कभी क्लीनिंग की बात कहकर फ्लाइट का टेक ऑफ टाला जा रहा था और आखिरकार फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई। तो अलग अलग तरीके से बस कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया, फॉग है, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड पायलट्स नहीं है। बीच में उन्होंने ये भी कहा कि हम साफ कर रहे हैं प्लेन को। हर घंटे में ये लोग डिले करते जा रहे थे, एक घंटा लेट, अब एक घंटा लेट, चार बार ऐसा किया। फाइनली 10:30 बजे 11 बजे उन्होंने हमें बताया कि फ़्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, या तो रात को 10:30 बजे जाएगी। बैगेज निकालने में ही उन्होंने 2-3 घंटे लगा दिए कि हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट भी नहीं ले पाए। अराइवल पे आके सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह हो गई, अब वापस भी नहीं जा सकते। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिमरन जैसे हजारों मुसाफिर हैं जिनका सब्र फ्लाइट का इंतजार करते करते जवाब देने लगा है। राजस्थान के जमुना शंकर को जितना वक्त यूरोप से भारत आने में नहीं लगा, उससे ज्यादा सफर दिल्ली से अपने घर जाने में लगने वाला है। हंगरी से दिल्ली आकर जमुना शंकर को उदयपुर जाना था, राजस्थान के उदयपुर, लेकिन दिल्ली उतरने से पहले हवा में ही खेल हो गया, यानी उदयपुर की फ्लाइट कैंसिल और टिकट के पैसे खत्म। तो दिल्ली सुबह यहाँ ही 9 बजे लैंड करने वाली थी, तो यहाँ लैंड ऊपर 10 मिनट ऊपर आकाश में खड़ी रही, वो वापस ना बोला गया कि सिंगल नहीं दिया, तो वो हैदराबाद में होल्ड 2 घंटा हैदराबाद में होल्ड रहा। अभी वापस नया टिकट लिया है उदयपुर का, सुबह वो सेम टाइम पे वापस वही है, 10 घंटा बैठने का है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे इस परिवार की फ्लाइट अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सफर की जो शुरुआत फ्लाइट की देरी से हुई वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जाना था मुंबई से अमृतसर, लेकिन एयरलाइंस ने पहुंचा दिया दिल्ली। USA कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से चढ़े थे, वहाँ भी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी सारी, वो भी 2 घंटे लेट चली, वहाँ अहीं आगे बॉम्बे 4:30-5 आ गए। अखिल शर्मा आज ही हांगकांग से लौटे हैं 3 घंटे की देरी के बाद। अखिल जब दिल्ली उतरे तो एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सफर के दौरान हुआ सिरदर्द जुबान पर आ गया। फ्लाइट करीब 2-2.5 घंटे दिल्ली थी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 24 घंटे पहले पता चल जाना चाहिए कि भाई हाँ फ्लाइट दिल्ली होने वाली है, ताकि घर से भी उसी तरीके से प्लानिंग करके निकले। अखिल, सिमरन और जमुना शंकर जैसे हजारों मुसाफिर आजकल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे, जो महंगे हवाई टिकट की कीमत चुकाने के बाद भी एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दर बदर भटकने को मजबूर है। कोहरे के चलते हवाई सफर तो हमेशा बाधित होता है, लेकिन एयरलाइंस का बेपरवाह रवैया पहले से परेशान यात्रियों की मुसीबत और बढ़ा रहा है। एयरपोर्ट के टर्मिनल पर उमड़ी भीड़ इसी का सबूत है।